बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्योर रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कचौड़ी की रेसिपी लेके आया हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि इसकी फोल्डिंग किस तरह की जाती है, इसकी डो कैसे बनाई जाती है, किस तरह से आप इसकी फिलिंग को बहुत खुशबूदार और टेस्टी बनाएंगे, ठंडे ऑयल के अंदर इसको फ्राई क्यों किया जाता है, और किस तरह से हम क्या ऐसा करें कि ये बहुत ही क्रंची, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार बने। एक एक स्टेप को तफसील से के साथ आज मैं आपको बताऊंगा और इंशाल्लाह आज आपको बहुत मज़ा आएगा। चलें जी, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपने प्यारे से बाउल में 3 कप हम मैदे के लेंगे, जिसको हमने अच्छे से पहले छान लिया था। सबसे पहली चीज़ इसमें जाएगी नमक 1/2 टीस्पून और घी जाएगा 1 टेबलस्पून। कुकिंग ऑयल भी आप ले सकते हैं। इसकी डो समोसे की डो से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो यहाँ पे हम इसकी कर देंगे अच्छी तरह से मिक्सिंग। अगर आपको समोसे की रेसिपी चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ज़रूर देखिएगा। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार समोसे की रेसिपी है। चल जी, मिक्सिंग कर लेंगे। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना आपने कि डो को आपने बहुत सॉफ्ट नहीं बनाना। चम्मच के साथ पहले पानी को मिक्स कर देंगे ताकि मैदा हमारे हाथों के साथ ना जुड़े, और उसके बाद हम इस डो को अच्छे से गूंद लेंगे। तो यहाँ पे इसकी डो में ज़ीरा या कोई और चीज़ नहीं जाती होती जैसे समोसे की डो में जाती, तो अच्छे से गूंद लेने के बाद हल्का से इसके ऊपर हम कुकिंग ऑयल लगा देंगे और कम से कम 15 मिनट का इसको स्टे ज़रूर देंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ध्यान से देखिएगा फिलिंग कैसे तैयार करनी है। ये फिलिंग इंशाल्लाह रेस्टोरेंट से अच्छी होगी। 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के और उसमें 1 टेबलस्पून जाएगा कुटा हुआ लहसुन, और चीज़ों को अच्छे से साफ़ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए, इससे आपके रिजल्ट में बरकत आती है। चलें जी, थोड़ा सा इसको हम फ्राई करेंगे लहसुन को, ताकि इसकी एक स्मेल सी जो होती है वो चली जाए। और अगली चीज़ इसमें जाएगी ऑफकोर्स ज़ीरा 1/2 टीस्पून। अब इन दोनों चीज़ों को हम हल्का सा रोस्ट करेंगे, हल्का सा यहाँ पे फ्राई करेंगे, ताकि इनकी खुशबू जो है वो अच्छे से एक्टिवेट हो सके। प्याज है हमारे पास, जैसी मर्जी आप कटिंग कर सकते हैं, चाहे चॉप कर लें या इस तरह से कर लें। तकरीबन 2 प्याज मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं, और ये एज अ मसाला नहीं, एज अ वेजिटेबल यूज़ हो रहे हैं। अगली चीज़ इसमें बंद गोभी है, दोनों 1-1 कप लिए मैंने तकरीबन। इसको हम पकाएंगे जब तक ये थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाए, पानी इसमें बिल्कुल नहीं जाएगा। इसी तरह से हम इसको पकाएंगे, और जब ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी तब इसके अंदर जाएंगे कुछ मसाले। चलें जी, सबसे पहली चीज़ जो इसमें जाएगी ये है हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून इसमें नमक का जाएगा। ये लें जी, बहुत सिंपल मसाले हैं, बस मेथड जो है वो स्पेशल है। ज़ीरा 1/2 टीस्पून जाएगा, और ये है काली मिर्च 1/4 टीस्पून, और हल्दी भी इसमें 1/2 टीस्पून ऐड कर देंगे, और बहुत अहम चीज़ मिक्स गरम मसाला 1/2 टीस्पून। तो यहाँ पे ये जो हमारे मसाले हैं ऑलमोस्ट कम, एक रह गया वो मैं आगे जाके एंड पे ऐड करूँगा। तो अच्छी तरह से इनको हम यहाँ पे मिक्स करेंगे, और इन वेजिटेबल्स को इनका देंगे फ्लेवर, इन मसालों का। अब हमारे पास है बहुत ही मज़ेदार श्रेडेड चिकन। इसको मैंने चिकन का पूरा चेस्ट पीस लिया था, जिसको मैंने 2 बड़ी इलायची डाल के अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था, और इस तरह रेशे रेशे कर लिया था। अब यहाँ पे आपने टेस्ट वेल्पिंग का काम करना है, यहाँ पे आपने अच्छी तरह से भुनाई करनी है इस चिकन की इन मसालों के अंदर, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो एक्टिवेट हो सके। अब जो आखिरी चीज़ थी, इसमें 1 या 1/2 टीस्पून आप चिकन पाउडर का ऐड कर दें, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। और यही वो स्टेप है जो रेस्टोरेंट्स वाले ऑलमोस्ट नहीं करते, आपने करना है इसकी भुनाई अच्छी तरह से, इससे इसका टेस्ट जो है वो 4-5 गुना बढ़ जाएगा। तो 2 से 3 हरी मिर्चें बिल्कुल एंड पे ऐड करेंगे, और उसके बाद अहम बात जहाँ पे लोग अक्सर गलती करते हैं वो क्या है, एक खूबसूरत सी ब्लेड लेंगे और उसके अंदर हम इसको अच्छी तरह से फैला देंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे कि अगर फिलिंग आपकी गर्म हो तो आप चाहे पराठा बनाएं, समोसा बनाएं या कचौड़ी बनाएं, वो फट जाती है, ठीक है। तो इसको प्लेट में डाल के आपने ठंडा होने के लिए रख देना है। आप ये 2-3 दिन की इकट्ठी भी बना सकते हैं, बाद में भी यूज़ हो जाती है। हाथों को खुश्का लगा लेने के बाद एक बड़ा सा आपने पेड़ा बनाना है इसका, काफ़ी बड़ा, तकरीबन 3 से 4 रोटियों जितना जो होता है। और उसके बाद आपने डस्टिंग कर देनी है नीचे, ताकि ये नीचे चिपके ना, और पेड़े को थोड़ा सा चपटा कर लेंगे। चलें जी, एक खूबसूरत सा रोलिंग पिन लेंगे और हम इसको बेल लेंगे। अब आपने इसको बारीक बेल लेना है, काफ़ी बड़ा करके, गोलाई की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं, जिस तरह से मर्जी आप इसको बेल लें, बस आपने फुल साइज़ का बेल लेना है। उसके बाद आपने लेना है घी, अगर घी अवेलेबल नहीं तो आप कुकिंग ऑयल के अंदर थोड़ा सा मैदा ऐड करके लेसी बना के लगा सकते हैं। तो 1 उंगली के साथ आपने लगा देने के बाद इसको आपने रोल कर देना है, ठीक है। ये देखें, बिल्कुल
टाइट सा, आपने इसको रोल कर देना है और उसके बाद आपने कर लेनी है कटिंग। अगर आप ध्यान दें तो ये पफ पेस्ट्री की ही एक रेसिपी है, लेकिन आसान तरीके से, जिस तरह पफ पेस्ट्री होती है, जैसे वो रोल होते हैं या वो बाकर खानी होती है ना, उस टाइप की रेसिपी। चलें जी, एक आपने पेड़ा पकड़ के उसको थोड़ा सा चपटा कर देना। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कारीगरी होने लगी है स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक कोना खींच के इस तरह लगा देना है, दूसरा कोना खींच के इस तरह, और ये आमने सामने वाले कोने, बिल्कुल ठीक है। चार कोने जब आप ये कर लेंगे तो आप देखिए चार कोने फिर से बन गए, उनको भी आपने खींच लेना है इस तरह से। ये लें जी, चारों कोनों को आपस में मिला देना है और बहुत ही आसानी से ये हो जाता है। ये देखें, एक तह रह गई। अब आप फील करें, पहले जस्ट इसके अंदर 3 से 4 तहें थीं और अब इसके अंदर तकरीबन 12 से 15 तहें हो चुकी हैं। तो ये कंप्लीट एक पफ पेस्ट्री की रेसिपी बन चुकी है। इस तरह से आपने सभी पेड़े बना लेने हैं। अब आ जाता है फिलिंग का टाइम। ये जो साइड थी जिसमें हमने वो खींच खींच के अंदर किए थे, वो ऊपर रख देनी है, नीचे प्लेन, ठीक है। चपटा कर लें अच्छी तरह से ताकि इसमें हम फिलिंग ऐड कर सके। अब ये ठंडी फिलिंग मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, 2 टेबल स्पून। फिर आपने वही काम करना है जो पहले किया था। ये लें जी, कोनों से इनके कान खींच के आपने इस तरह से लंबे कर देने हैं और ऊपर से इनको जोड़ देना है। चार कोने जब आमने सामने आप जोड़ देंगे तो चार कोने फिर से बन जाएंगे। सेम उसी प्रोसीजर से आपने उनको भी आमने सामने इस तरह से खींच के बना लेना। ये प्योर जो रेस्टोरेंट वाले, जो ढाबे वाले होते हैं, हलवाई होते हैं, ये उनका मेथड है और ये अच्छा मेथड है, बहुत आसान है, इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। थोड़ा सा इसको प्लेन कर दें और थोड़ा सा गुलाई में कर लें। ये लें जी, हो गया। इसी तरह से सभी आपने पेड़े बना लेने हैं, फिलिंग ऐड कर लेनी है। इसको आप रात को बना सकते हैं, सेरी से पहले बना सकते हैं और फिर आप जब टाइम हो तब यूज़ कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत हमारे पास लोहे की कढ़ाई जिसमें मैं घी ऐड कर रहा हूँ, नहीं तो आप इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन घी के अंदर ये बहुत क्रिस्पी हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो गलती करते हैं लोग, ये कि इसको बहुत गर्म कर लेते हैं। कचौरी का ये मेथड होता है कि जस्ट हल्का सा जब ऑयल गर्म हो आपने इसको अंदर डाल देना। देखिए यहाँ पे बबल्स बहुत कम है, इससे आपको पता चल रहा होगा कि ऑयल तकरीबन ठंडा है, इतना गर्म नहीं है। तो यहाँ पे 3 मैं जस्ट इसमें ऐड कर रहा हूँ और इसी फ्लेम के ऊपर मैं इसको पकने दूंगा। कब तक? जब तक ये फूल नहीं जाती। ये देखें, ये फूलना शुरू हो गई है। ये बिल्कुल वैसी है जैसे बाकर खानी होती है ना, पफ पेस्ट्री होती है, ये वैसी बनेगी सेम टू सेम। इसी तरह से जब तक ये ऊपर नहीं आ जाती तब तक हम इसको उसी लो फ्लेम के ऊपर पकाते रहेंगे, ठीक है। तो जैसे ही ये फूल के ऊपर आ जाएंगी फिर आपने क्या करना है, फिर आपने फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देना है। देखिए अंदर तक इसकी जो तहें है ना, 10 से 12 वो पक चुकी हैं और ये अभी भी जब मैं इसको ये स्पैचुला लगा रहा हूँ तो मुझे फील हो रहा है ये क्रंची हो चुकी हैं, ये हार्ड हो चुकी हैं, नरम नहीं रही। अब आपने फ्लेम को ज़्यादा कर देना है, खूबसूरत सा इसको कलर दे लेना है। अगर आपको ये फोल्डिंग की स्कीम समझ नहीं आई तो आप दोबारा से इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। इसको निकालते हैं प्लेट के अंदर और देखते हैं इसकी फाइनल लुक क्या है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्लेट में इनको डालते हैं और मैं आपको इसको तोड़ के दिखाता हूँ। चलें जी, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बढ़ते हैं जो दूसरे हमारे हाथों में, हमारे खानों में। तो मेरे प्यार प्यार दोस्तों, ये देखें ये कितनी क्रंची है, मतलब हाथ लगा रहा हूँ तो कितनी अच्छी आवाज़ें इसकी क्रंच क्रंच की आ रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारा सा खूबसूरत सा कर दीजिए कमेंट और दीजिए इजाज़त। सारी को इजाज़त, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।